कलेक्टर ईशा गुप्ता ने आज गुरुवार को माता टेकरी स्थित पाथवे मार्ग का निरीक्षण किया। बता दें कि पाथवे मार्ग पर आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा यहां पर स्थित कुर्सियों और मूर्तियों में तोड़फोड़ की जाती है, जिसकी शिकायत लगातार आ रही थी, जिसको लेकर कलेक्टर ने यहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को व्यवस्थाओं को देखने के लिए निर्देश दिए। वहीं बताया कि आने वाले समय में पाथवे का सौंदर्यकरण किया जाएगा, जिससे यहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। निरीक्षण के दौरान SDM, वन मंडल निगम अधिकारियों सहित चामुंडा सेवा समिति प्रबंधन उपस्थित रहे। जो हमारा मॉर्निंग वॉकर्स के लिए जो हमारा परिक्रमा पथ है, मॉर्निंग में 5 बजे से ही जहां पर हमारी अच्छी भीड़ रहती है, उस पथ का आज पूरी माँ चामुंडा माता जी की जो समिति है उसके सभी मेंबर्स के साथ, SDM साहब के साथ, नगर निगम की टीम के साथ में आज एक निरीक्षण किया गया है कि उसको किस प्रकार से अपन अच्छा कर सकते हैं। अभी कुछ समय से वहाँ पर कुछ डैमेज किए जाने की भी शिकायतें आ रही थी असामाजिक तत्वों के द्वारा। वो पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर इस टाइप की इल्लीगल एंट्रीज होती हैं, उसके भी निर्देश दिए गए हैं कि उनको हम जहाँ पर चाहें तो रेत की बोरियों से और जहाँ पर पक्की दीवार से और कहीं पर जो हमारी कंसेंट्रिक वायर्स लगी हुई हैं उसके माध्यम से बंद किया जाए। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर प्लांटेशन कर सकते हैं, कहाँ पर छोटे पौधे लगा सकते हैं, कहाँ पर हम सफाई कर सकते हैं, कहाँ पर जो हमारे रपटे हैं और जो स्टॉप डैम्स हैं उनका सौंदर्यकरण कर सकते हैं, कहाँ पर जो हमने बीच बीच में कुछ अच्छे डिज़ाइंस बना रखे हैं, सेल्फी पॉइंट्स बना रखे हैं, पगोड़ाज बना रखे हैं, उनको थोड़ा और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उस संबंध में आज चर्चाएँ हुई हैं। तो जल्द ही इसका काम चालू होगा और आने वाले समय में जो हमारे यहाँ पर जितने भी मॉर्निंग वॉकर्स को समस्याएं आती हैं उसका निदान करने का प्रयास माँ चामुंडा माता समिति और नगर निगम के सहयोग से किया जाएगा। देवास से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।